बेटी जी शगुफा, अंकल। आप जिस उल्लू की आंख वाले की बात कह रही थी, कहीं ये बरखुरदार तो नहीं? जी नहीं अंकल, ये कैसे हो सकते हैं? हम भी यही सोच रहे थे। और नसीर मियाँ, जी डैडी। आप जिस लड़की के बारे में कह रहे थे कि वो अपने आप को कमिश्नर साहब की बेटी कहती है, कहीं ये तो नहीं? जी जी नहीं डैडी, इन्हें तो मैं आज पहली बार मिला हूँ, हाँ पहली हाँ बार। हाँ ये हाँ क्या हो रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओहो फहमिदा बेगम, हमने कहा ना ये मदरसे की बात नहीं है। देखो वापस, बहुत हो गया अब। माफी चाहते हैं, माफी चाहते हैं। दरअसल बात क्या है कि ये बिटिया जिस उल्लू के पट्टे की बात कर रही थी ना, वो यही है। अल्लाह, जी आप लोगों की बातें भी बस। एक लीजिए। मिनट, हेलो जी, एक मिनट भाई साहब, आपका फोन। तुमने ये क्यों नहीं बताया कि तुम सचमुच अंकल के बेटे हो? बताया तो था लेकिन तुम मानी ही नहीं। मैं समझी थी कि तुम खींच रहे हो। खींच तो मैं अभी रहा हूं लेकिन तुम इतनी ठोस हो कि खिंचती नहीं। और मैंने समझा था कि कच्चे धागे से बंदी आएंगी सरकार मेरी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, तशरीफ रखिए आप लोग। बड़े अफसोस की बात है, किडनैपिंग और बैंक रॉबरीज की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं। एक होम मिनिस्टर होने के नाते हम क्या जवाब दें? आई अंडरस्टैंड सर, लेकिन यही तो मुश्किल है। आप लोग हम पॉलिटिशियंस की मजबूरी न समझते हैं और न समझने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिशियंस को बुरा भला कहना आज फैशन में शुमार हो गया है। लेकिन सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि लोगों के दिलों में कानून और कानून के रखवालों का डर ही खत्म हो गया। हाँ, लेकिन इसके लिए कसूरवार कौन है? हम सब। ये सब इसलिए हो रहा है कि हम और आप अपने अपने फर्जों को पूरी लगन और ईमानदारी के साथ में नहीं निभा रहे हैं। हमें लोगों के दिलों में कानून के लिए विश्वास जगाना पड़ेगा। लेकिन सर वो आपके सारे लेकिन्स और बट्स हमें मालूम है शेख साहब। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि किडनैपिंग और बैंक रॉबरीज की वारदातें होने ही ना पाए। चाहता तो मैं भी यही हूं सर, लेकिन दुनिया में किसी भी मुल्क के पास इतनी बड़ी पुलिस फोर्स नहीं है कि वह हर शहरी की इंडिविजुअली हिफाजत कर सके। फिजूल के लॉजिक ना दें प्लीज। दुनिया के किसी और मुल्क में इतनी किडनैपिंग भी नहीं होती जितनी अकेले सिर्फ हमारे शहर में हो रही है। और अभी तक आपके अफसर यह पता नहीं लगा पाए हैं कि हंगामा मचा किन लोगों ने रखा है। खालिद, तुम खाली हाथ क्यों आए हो? भाई खां, वो बाकर मिलता तो बस 7.5 लाख का ही बंदोबस्त कर पाए हैं, तो मैंने सोचा 7.5। मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ जो मोल तोल करूं। भाई खां, बड़ी मिन्नतें कर रहा था कि उसके खानदान का इकलौता चिराग है। लगता है सिर उसके खानदान को अंधेरे में जीने की आदत डालनी ही पड़ेगी। हमीद बेटे, तुम्हारे दादा को तुम्हारी जिंदगी से बिल्कुल प्यार नहीं। ये क्या कर रहे हैं भाई खान? लोगों को पता चल जाना चाहिए कि अगर हमें रैंसम नहीं मिला, हम लोग मार भी सकते हैं। मत मारो आप मुझे। हेलो लेडी जहांगीर। यस, हमने तुम्हारे बेटे परवेज को किडनैप कर लिया है। क्या? ओह गॉड, गॉड को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। यह मामला हमारे तुम्हारे बीच में है। तुम जो भी हो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। सिर्फ हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा लेडी जहांगीर, रुपए जोड़ो रुपए। तुम जो कहोगे मैं करूंगी। मेरे बच्चे को कुछ तकलीफ मत दीजिए प्लीज। अभी तक तो नहीं दी, अपने बेटे से ही पूछो। बेटा बेटा परवेज, मत रो बेटे। बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा। डरो मत बेटा। बाबा, ये लोग कहते हैं कि अगर तुमने पुलिस को फोन किया तो ये लोग मुझे मार डालेंगे,
नहीं बिल्कुल नहीं रोते, मैं तुम्हें छुड़ा लूंगी बेटा, प्लीज बी ब्रेव। मुझे बचा लो बाबा। अपने जिगर के टुकड़े से बात कर ली, एक बात और से सुनो, तुम पुलिस को फोन नहीं करोगी। मैं पुलिस को कुछ फोन नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी। चुप। 15 लाख का बंदोबस्त करो, मैं कल किसी वक्त फोन कर दूंगा कि रुपए लेकर कहां आना है। परवीन, मेम साहब, मेम साहब, क्या है? कमिश्नर साहब आए हैं। पुलिस? हमजा शेख, उन्हें बिठाइए, हम आ रहे हैं। कमिश्नर साहब। आदाब लेडी साहब। आदाब, तशरीफ रखिए। शुक्रिया, ना वक्त आने के लिए माफी चाहता हूँ लेडी साहब। कोई जरूरी काम? आप कुछ परेशान लग रही हैं लेडी साहब। परेशान? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब है कि अभी तक उन्होंने आपको फोन नहीं किया? किन्होंने? जिन्होंने आपके बेटे परवेज को किडनैप किया है। परवेज को किसी ने किडनैप नहीं किया, मैंने अभी उनसे बात की। मुझसे ना छुपाइए लेडी साहब, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके बेटे परवेज को किडनैप कर लिया गया। व्हाट रबिश, परवेज शिकार पर गया है और वो कल सुबह लौट आएगा। मैं आपकी मुश्किल समझता हूँ लेडी साहब, लेकिन एक पुलिस कमिश्नर होने के नाते ये कहना मेरा फर्ज है कि किडनैपर्स को पकड़ने में हमारी मदद करना आपका फर्ज है। पुलिस की मदद करने के लिए मैं अपने बेटे को किडनैप करवा दूं? इन दैट केस, खुदा हाफिज लेडी साहब। मैं आपके बेटे परवेज की जिंदा सलामत वापसी के लिए दुआ करूं। हेलो, तुम्हारी घड़ी क्या बजा रही है? 3:20। ठीक है, रात के ठीक 8:30 बजे अपने घर से निकलो, और सुनो, अपनी कार तुम खुद चला रही होगी। नेशनल हाईवे 32 को पकड़कर चलती रहो, 4 किलोमीटर की दूरी पर तुम्हें एक पेट्रोल पंप मिलेगा, अलहद ऑटो सेंटर। मैनेजर से रोशनपुर का रास्ता पूछो। आदाब बीबी, रोशनपुर का रास्ता कहाँ से है? यहाँ से 2 किलोमीटर बाद एक चौराहा पड़ेगा, वहाँ से बाएं मुड़ जाइएगा। शुक्रिया। चार फरलांग के बाद एक पुलिया है, वहाँ गाड़ी रोक लो, बत्ती बुझा दो और इंतजार करो। ये मत बोलो। पैसे ले आई? हाँ। बैग नीचे सड़क पर रख दो। मगर परवेज। बैग नीचे रखो। यहां से 1 किलोमीटर की क्रॉसिंग पर तुम्हें तुम्हारा परवेज मिल जाएगा। जाओ। ये लीजिए भाई का। लीजिए शेख साहब, आपका नजराना, लेडी जहांगीर के लख्ते जिगर की रिहाई की कीमत। शुक्रिया अहद मियां, बस ये सिलसिला अब जारी रहना चाहिए, क्योंकि अगले हफ्ते मैं रिटायर हो रहा हूं भाई। अब तो इसी पर ही गुजर बसर होगी। जनाब अली, रिटायर होने के बाद तो आप और भी ज्यादा कमाएंगे। चलिए जाओ, उठाइए। चीयर्स। सलाम अलैकुम। सलाम, तशरीफ रखें। कहिए शेख साहब, आज सुबह सुबह यहां आने कैसी जहमत की? खुदा हाफिज कहने निकला था सर, और फिर
आपसे माफी भी मांगनी थी कि अपनी हजार कोशिशों के बावजूद भी मैं इन जुर्मों की लहर को रोक नहीं सका। मैं तो रिटायर हो ही रहा हूं सर, लेकिन खुदा करे कि मेरी जगह आने वाले जनाब अली हैदर साहब को मेरी तरह नाकामयाबी का मुंह ना देखना पड़े। हाँ, अली हैदर साहब की सर्विस रिपोर्ट तो हमने पढ़ी है, बहुत ही जाबाज और काबिल अफसर हैं। जी हाँ जनाब, कानूनी ओढ़ते हैं और कानूनी बिछाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ द प्रेस, मैं सियासतदान नहीं, मुझे तकरीर करना नहीं आता, मैं यहां पुलिस कमिश्नर होकर आया हूं। यह तो हमें आपके आने से पहले ही मालूम हो चुका था। तो फिर ऐसा सवाल पूछिए मिस्टर मल्होत्रा ऑफ साप्ताहिक आवाज जो आप नहीं जानते। हमारा यह शहर पहले अपनी सीनिक ब्यूटी, झीलों, पहाड़ों, फूलों फलों और खुशबूदार पेड़ों के लिए बहुत ही मशहूर था, मगर इधर कुछ सालों से सारी दुनिया में न सही मगर हिंदुस्तान में अपने क्राइम्स के लिए बहुत ही मशहूर हो चुका है। आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहते हैं? इस इलाके को शोहरत तो आप जर्नलिस्ट भाइयों ने ही बख्शी है, ना आप बढ़ा चढ़ा कर लिखते ना इस इलाके को इतनी शोहरत मिलती। इन अ वे यू पीपल आर हेल्पिंग द क्रिमिनल्स। आपकी खबरें पढ़कर आवाम में दहशत फैलती है, क्रिमिनल्स के हौसले बढ़ते हैं। आप चाहें तो कानून की बहुत मदद कर सकते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट यू प्लीज टू हेल्प अस। आपकी नजरों में कानून की मदद करने का मतलब शायद यह है कि हम इस किस्म की खबरें छापना ही बंद कर दें? आई डोंट माइंड मिस पठान। यानी आप प्रेस को गैग करना चाहते हैं? व्हाई डोंट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड मी माय डियर फ्रेंड। एक हेल्दी प्रेस के बगैर समाज जी ही नहीं सकता। मैं तो चाहता हूं जुर्म की यह लहर किसी तरह खत्म हो जाए, चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। कोई भी कुर्बानी मिस्टर अली हैदर? मिस पठान, कानून जुर्म को खत्म करने के लिए बना है, जुर्म से समझौता करने के लिए नहीं। बाबा जानी। शगुफी। बाबा जानी। अरे मेरी शगुफी, कैसा लगा अपना ये नया घर? बाबा जानी, पहले तो आप मेरा नाम मत बिगाड़ा कीजिए। ओह, माफी चाहता हूँ। तो शगुफा अली हैदर साहिबा, आपको अपना ये नया घर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा बाबा जानी। कहते हैं ना, घर वही होता है जहाँ दिल होता है, और फिर मेरा दिल तो मेरे बाबा जानी के पास है। सच कह जाऊं बन जा, जल्दी बन जा, बच्ची को कॉलेज जाना है, अभी आती होगी। बुआ। बेटा आ गई। बुआ मुझे बहुत देर हो रही है। बस बेटी, दो मिनट हाँ, हो गया। वाओ। क्या है? अरे थूक, मैं कहती हूँ थूक। हाँ, हजार बार कहा तुझसे कि खाली पेट मूली ना खाया कर, अल्लाह ना करे कहीं जुकाम हो गया तो सारा दिन नाक थोड़कती फिरेगी। मेरी प्याली बुआ। अरे अंदर जल्दी छोड़ मुझे।
ए शिकुफी, कॉलेज नहीं जाना आज तुझे, गप्पे लड़ा रहे हैं। जाना है बाबा जानी। अरे मियां हजार बार कहा है कि खाली पेट मूली ना खाया करो, और लो नकुर जुकाम हो गया तो दिन भर नाक सुड़कते रहोगे। तुमने नाश्ता कर लिया ना? कर लिया। तो फिर चलो जल्दी चलो। लाहौल वाला कुछ प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? आगे से राइट। थैंक यू। वेलकम। मैं अंदर आ सकती हूँ मिस? कम इन। आदाब शगुफा अली हैदर, आओ। कैसी हो तुम? अच्छी हूं मिस। घर पे सब लोग कैसे हैं? ठीक है मिस, अल्लाह का शुक्र है। तुम्हारा एडमिशन तो ट्रांसफर केस है, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे होम मिनिस्ट्री से भी फोन आ गया था, अगर तुम चाहो तो कल ही से अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकती हो। जी मिस, शुक्रिया। हेलो। यस मैं चलती हूँ। यस नाहिद बिलग्रामी स्पीकिंग। यस हाँ, आप फिक्र ना करें, स्टूडेंट्स को उनका सिलेबस मिल जाएगा। अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी आंखें पता है किसके लिए दी हैं? देखकर चलने के लिए। अच्छा भाई, कमाल है, मुझे तो ये मालूम ही नहीं था कि अल्लाह मियां ने आंखें देखने को दी हैं। मैं समझती थी कि उसने आंखें सूंघने को दी हैं। और बाय द वे, मैं अब गिर नहीं रही हूँ, छोड़ो मुझे। आंखों के साथ साथ अल्लाह ने तुम्हें जबान भी काफी बड़ी दी है लड़की। मेरा नाम लड़की नहीं, शगुफा अली हैदर है लड़के। ये तो भाई कमाल हो गया, मेरा नाम भी लड़के नहीं है, नसीरुद्दीन अहमद है। देखो नसीरुद्दीन अहमद, ज्यादा उड़ने की कोशिश ना करो, मैं यहाँ के पुलिस कमिश्नर की बेटी हूँ, लड़कियों को छेड़ने के जुर्म में अंदर करवा दूंगी। अच्छा, तो आप हैं यहाँ के पुलिस कमिश्नर की बेटी? जी हाँ। तो इन दैट केस आपसे मिलके बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि मैं यहाँ के होम मिनिस्टर का लड़का हूँ। रियली? इतनी जरा सी उम्र में इतनी तरक्की कर ली कि होम मिनिस्टर के बेटे बन गए? बढ़कर तो और न जाने किस किस के बेटे बन जाओगे, इडियट। ओए 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 ओए, आ गई, आ गई। देखो नसीब, क्या है? लड़की नहीं है, उसकी रैगिंग मत करना। देखो बाजी अम्मा, अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं तो बाहर जाके हवा खाओ, क्योंकि रैगिंग तो होगी। छुपाती है उम्र हो 26 की तो 16 बताती है, उम्र हो 26 की तो 16 बताती है। कमारे बताते हैं शादी शुदा होते, कमारे बताते हैं। फितरत हसीनों की तौबा दुहाई, इनसे परेशान सारी खुदाई, इनसे परेशान सारी खुदाई।
इन हसीनों से कह दो सजना सवरना छोड़ दे, तो हम मजबूर आशिक भी इन पे मरना छोड़ दे। इनकी यादों में धोखा ही धोखा, इनकी यादों में धोखा ही धोखा, इन पे कभी तुम ना करना भरोसा, इन पे कभी तुम ना करना भरोसा, करना भरोसा। ये हुस्न की बिजली अजी हम पे गिराती है, उम्र हो 26 की तो 16 बताती है, उम्र हो 26 की तो 16 बताती है। चश्मा लगाती है, उम्र हो 26 की तो 16 बताती है, उम्र हो 26 की तो 16 बताती है। मजनू ये सड़कों पे अरे हमको सताते हैं, शादीशुदा शगुफा अली हैदर, आप आकर मुझे मेरे ऑफिस में मिलिए अभी। बाबा जानी। क्या हुआ? वाह, इसे कहते हैं मोहब्बत। बाबा जानी, आप ये नॉवल 4-5 महीने से तो पढ़ी रहे होंगे। हाँ देखो, या तो हम अपनी शगुफी को पढ़ें या नॉवल को पढ़ें, दोनों को तो एक साथ नहीं पढ़ सकते ना। इसमें कोई खास बात नहीं है, पढ़ने दो बिटिया। अच्छा, तो आप इस नॉवल को पढ़िए, मैं चलती हूँ। इतना गुच्छा? मैं आपके और आपके इस चहेते नॉवल के बीच में क्यों आऊँ? आपके चहेते नॉवल के बीच में कैसे हूँ? लगता है आज मिर्ची सालन ज्यादा खा गई हमारी बिटिया। इस लव स्टोरी और दुनिया की सब लव स्टोरीज की ऐसी की तैसी, सबसे बड़ी लव स्टोरी तो बाबा जानी की है और हमारी शगुफी की है।
है ना? अब इसी बात पर एक पप्पी हो जाए। अच्छा बताओ आज कॉलेज में दिन कैसे गुजरा? दिन तो अच्छा खासा गुजर रहा था कि एक रोमियो की वजह से डांट पड़ गई। डांट पड़ गई? किसने डांटा हमारी बेटी को? वही मिस बिल, प्रिंसिपल ने। ये प्रिंसिपल? कल सुबह ऑफिस जाने से पहले प्रिंसिपल से मिलना ही पड़ेगा। खामखा हमारी बेटी को क्यों डांटी है? उसकी कोई जरूरत नहीं बाबा जानी, कसूर तो उस रोमियो का था, अपने आप को होम मिनिस्टर का बेटा कहता है। शगुफी हो सकता है वो होम मिनिस्टर का ही बेटा हो। अरे छोड़िए बाबा जानी, मिनिस्टरों के बेटों की ऐसी सूरतें नहीं होती। मैं तो उसकी ऐसी खबर लूंगी कि वो भी याद रखेगा कि किसी शगुफा अली हैदर से पाला पड़ा क्या था। बात पहले है। तो मैं होम मिनिस्टर को फोन करूंगी। फोन करने की क्या जरूरत है, कल लंच पे हम लोग वहां जा ही रहे हैं। मैं तो उनके घर जरूर जाऊंगी। तो हमारे शगुफा बेटी को कॉलेज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और प्रिंसिपल तो सिंपली फंटास्टिक। पिछले साल कॉलेज डे में उनसे मुलाकात हुई थी, उनको देखकर ऐसा लगा कि हम भी पढ़ने के लिए कॉलेज में एडमिशन ले ही लें। आप एडमिशन ले ही लीजिए अंकल, वहाँ एक लफंगा पड़ता है जो अपने आप को आपका बेटा कहता है। ओ। सुनो जी, ये किस कॉलेज की बात हो रही है? फहमीदा बेगम आप कहाँ बहस में आ गए, ये मदरसे की नहीं कॉलेज की बात हो रही है। अरे भाई यहाँ चाचा भतीजी बहुत संजीदा बात कर रहे थे और चची ना जाने बीच में से कहाँ टपक पड़े। बैठो बेटे आप, शाबाश, थैंक यू, तशरीफ रखे इधर साहब। तो उस लफंगे का हुलिया बताएं बेटे क्या है? हुलिया? हुलिया तो है ही नहीं अंकल, शक्ल सूरत से ही लफंगा लगता है। सोते जैसी लंबी नाक, आंखें उल्लू की तरह। ओ, ओ, तब तो भाई जरूर कोई उल्लू का पट्टा ही रहा होगा। पता था आज मेहमान घर पे आने वाले हैं, आज तो वक्त पे आ गए होते। आइए बरखुरदार, तशरीफ रखिए। ये हमारे फर्जंद है हैदर साहब। आदाब अंकल। हेलो। आप बैठिए, मेहमानों की तरह क्यों खड़े हैं आप? बेटी शगुफा, अंकल आप जिस उल्लू की आंख वाले की बात कह रही थी, कहीं ये बरखुरदार तो नहीं? जी नहीं अंकल, ये कैसे हो सकते हैं? हम भी यही सोच रहे थे। और नसीर मियां? जी डैडी। आप जिस लड़की के बारे में कह रहे थे कि वो अपने आप को कमिश्नर साहब की बेटी कहती है, कहीं ये तो नहीं? जी जी नहीं डैडी, इन्हें तो मैं आज पहली बार मिला हूँ। ये क्या हो रहा है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओ, ओ फहमीदा बेगम, हमने कहा ना ये मदरसे की बात नहीं है। देखो वापस, बात हो गया। माफी चाहते हैं, दरअसल बात क्या है कि ये बिटिया जिस उल्लू के पट्टे की बात कर रही थी ना, वो यही है। अल्लाह, आप लोगों की बातें भी बस। हेलो जी, एक मिनट भाई साहब, आपका फोन। तुमने ये क्यों नहीं बताया कि तुम सचमुच अंकल के बेटे हो? बताया तो था लेकिन तुम मानी ही नहीं। मैं समझी थी कि तुम खींच रहे हो। खींच तो मैं अभी रहा हूँ, लेकिन तुम इतनी ठोस हो कि खींचती नहीं। और मैंने समझा था कि कच्चे धागे से बंदी आएंगी सरकार मेरी। चारों तरफ से बैंक की नाकाबंदी कर दो, मैं पहुंच रहा हूँ। सब खैरियत तो है? कॉन्टिनेंटल बैंक में डाका पड़ा है, आज इजाजत चाहता हूँ, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। चलिए बाबा जी, तुम बैठो, बेटे खाना खा लो, मैं वापस भी लेता जाऊंगा। जी अच्छा। अंकल आप तकलीफ ना कीजिए, इन्हें मैं छोड़ दूंगा। चलो ठीक है, तो मैं इजाजत चाहता हूँ। हैदर साहब, हम भी आपके साथ चलते। बेगम खबरदार, कोई आगे बढ़ा दो, एक एक को खून के रख दूंगा, अपनी जगह पे रहो। मान क्या है इनके? मान जाइए। 10 मिनट सर। उस औरत का क्या होगा जिसे तुम लोगों ने पकड़ रखा है? बहस ना कीजिए, खतरे से निकलने के बाद ये लोग होस्टेज को छोड़ देते हैं। मैंने सुना है वो गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं, मेरी गाड़ी दे दीजिए। आपकी तारीफ। श्रीवास्तव साहब है बैंक के चेयरमैन। नाइस मीटिंग यू सर, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। अरे साहब, उन्होंने बैंक की एक कस्टमर को हॉस्टेज बना रखा है, ये उसकी जान और बैंक की साख का सवाल है। ये उसकी जान और बैंक की साख का सवाल नहीं है, ये कानून की जान और उसकी साख का सवाल है। तो क्या आप उस औरत को मर जाने देंगे मिस्टर हैदर? मैंने ऐसा कब कहा सर, उसकी जान बचाना पुलिस वालों का फर्ज है। उस औरत को छोड़ दो, उसकी जगह मैं होस्टेज बनने के लिए तैयार हूँ। आप पागल हो गए साहब, वो आपको गोली मार देंगे। देखिए ना, तो मैं आपके बैंक का कस्टमर हूँ,
और ना ही आपके बैंक की साख। हैदर साहब, आपकी जान हमारे लिए उस औरत से कम कीमती नहीं। सर, मेरी जान कीमती नहीं है। सिबलियन की जान बचाने के लिए ही मैंने पुलिस की वर्दी पहनी है। मैं अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन इन लोगों को मनमानी हरगिज नहीं करने दूंगा कि जिसे चाहे जहां चाहे होस्टेज बनाकर बैंक लूट ले। सर, वहां वो औरत होस्टेज नहीं, कानून होस्टेज है। कमिश्नर, अपना रिवॉल्वर भी सड़क पर रखो और आ जाओ। नहीं हैदर भाई, जिद ना करें। जिद नहीं कर रहा नूरुद्दीन साहब, अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। Congratulations, sir. Thank you. You made it. Thank you, Singh. In a foreign hospital, पहुंचा दो. Yes, sir. Yes, sir. अंदर चार dead bodies हैं, उनके weapons हैं, loot का माल है. Coin collected. You are really mad, Mr. Ali Haider. आप अभी तक डर रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए श्रीवास्तव साहब. आपका customer भी बच गया और आपके bank की साख भी रह गई. भाई, हमारी तरफ से दिली मुबारकबाद लें. Thank you, sir. Thank you very much. लेकिन एक बात हम फिर भी कहेंगे. इस तरह से अपनी और उस औरत की जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए थी। ये जरूरी था सर। क्रिमिनल्स को इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि जुर्म करना इतना आसान नहीं। अगर पुलिस अपनी जान खतरे में डाल सकती है, द मैसेज इज वेरी क्लियर। इस तरह क्रिमिनल्स की जान भी खतरे में पड़ सकती है। जान उनको भी प्यारी है सर, मरना वो भी नहीं चाहते। और आज जो रिस्क मैंने लिया है, ये जरूरी था। कभी कभी जान लेना और जान देना जरूरी हो जाता है सर। भाई खान, चार साथी मारे गए और कोई फटा पुराना नोट तक हाथ नहीं लगा। इस अली हैदर का कुछ करना पड़ेगा खान भाई। उस अली हैदर को आज नहीं तो कल मैं समझ ही लूंगा। शगुफे, ओ शगुफे बिटिया, शगु, अरे हाँ हाँ, वाह बाबा जानी, आपने मुझे डरा ही दिया। आज हमारी शगुफे बिटिया कुछ खोई खुशी नजर आ रही है। आज पहली बार ऐसा हो कि हम घर आए शगुफे को पता ना चले। बाबा, इसलिए कि मैं किताब पढ़ रही थी। किसे पढ़ रही थी? किताब को पढ़ रही थी मैं। किसे पढ़ रही थी? बाबा जानी, किताब पढ़ रही थी मैं। बिटिया, हम पुलिस में हैं, हम बड़े बड़े चोरों को पकड़ लेते हैं, तुम तो छोटी सी चोरनी हो। बाबा जानी, मैं चाय लेकर आई। अरे हाँ, सुनो सुनो, चाय भले बनाकर लाओ, ये हमें दे दो, हम इसे पढ़ लेते नहीं, हैं। बाबा जानी, हमें पढ़ने दो। बाबा जानी प्लीज। इतने प्यार से प्लीज कहोगी शगुफे तो हम ना तो कर ही नहीं सकते ना। अच्छा इतना बता दो कि वो कौन है जिसने बाबा की जान को बाबा जानी से दूर कर दिया। सबसे हम दूर हुए तुमसे मिलने के बाद, सबसे हम दूर हुए तुमसे मिलने के बाद, कितने मगरूर हुए
गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? नहीं तो मेरी आंखें तुम्हारी आंखों की तरह बड़ी ना सही, पर छोटी आंखें भी कम थोड़ी ना देखती हैं। रोजाना जैसी नहीं लग रही हो। प्लीज गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिट डाउन। पिछले हफ्ते हम लोग गालिब को डिस्कस कर रहे थे, मिर्जा नौशा असदुल्ला खां गालिब। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। How I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky, twinkle, twinkle, little star. कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े। शगुफाली हैदर, शगुफाली हैदर। यस मिस। आप कहाँ खो गई थी? कहीं तो नहीं मिस। मैं क्या कह रही थी, क्लास में लेक्चर इसलिए दिए जाते हैं शगुफाली हैदर कि स्टूडेंट्स उन्हें सुने और उनका फायदा उठा सके। आई एम सॉरी मिस। अरे यार, तुम इस नायब बिलग्रामी को देखकर चकरा क्यों जाती हो? नहीं तो। नहीं तो क्या, तुम्हें पता था कि उनका लेक्चर है और तुम उनके आने से पहले ही घबरा रही थी? मैं तो बिल्कुल नहीं घबराई थी। तब तो आई मे बी राइट यार, तुम सोच रही थी। मैं तो कुछ सोच भी नहीं रही थी। तो फिर क्लास में बैठे बैठे गायब कहाँ हो गई थी? कहीं भी नहीं यार। यार उड़ाओ मत, मुझे तो ये सिचुएशन बड़ी मिस्टीरियस लग रही है। यानी क्लासरूम में लेक्चर चल रहा है और मिस शगुफा अली हैदर गायब। एक बड़े ग्रेट आदमी का कहना है। किस ग्रेट आदमी का? ऑफ कोर्स मी यू डम गर्ल। यू आर रियली डम। बाबा जानी बहुत देर कर दिया जाने में। अंकल आज इन पर प्रिंसिपल की बड़ी डांट पड़ी थी। नहीं कोई डांट फाट तो नहीं पड़ी। देखो अगर डांट पड़ी है तो मुझे बताओ, मैं अभी एक्शन लेता हूँ। एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि रिएक्शन हो जाएगा। बाबा जानी चलिए घर चले। चलो घर चलो। ओके अंकल। गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून। अरे अरे, ये क्या कर रही है बेगम? बहुत जरूरी फाइल है, कल असेंबली में जवाब देना है इसका। भाई आग लगे तुम्हारे असेंबली को। सुनो, कभी कभी नसीर के डैडी भी बन जाया करो। नसीर का डैडी बने हुए तो हमें 20 बरस 8 महीने और 6 दिन हो चुके हैं। कैलकुलेटर ले आओ तो घंटों और मिनटों का हिसाब भी निकाल। बस हाँ। होश में आ जाओ बस। ये कुछ लड़कियों की तस्वीरें जमा की हैं नसीर के लिए, देख लो ना। मैं ये काम तो अगर तुम करती तो ज्यादा अच्छा कर सकती थी बेगम। हमारी पसंद तो कोई आप जैसी होगी। आपने अपनी पसंद देखी आईने में? बेगम इसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। माशाल्लाह, लगता है आपने तो हिंदुस्तान की सारी कुंवारियां इकट्ठी कर ली। अजी हमें कुंवारियों से क्या लेना देना। ये सब हरी सैयदानियों की तस्वीरें हैं सैयद साहब। अच्छा अच्छा, तो सभी नजीब उर तुरफैन है। चश्मे बद्दूर, ये तो बड़ी खूबसूरत लड़की। ना ना ना, हमें नहीं पसंद। नहीं बेगम, इसकी आंखें तो बहुत अच्छी। अजी छोड़ो। ओफो, ये भी नहीं। देखो भाई, ये लड़की तो वाकई बहुत हसीन लग रही है। क्या ख्याल है आपका? तो निकाह पढ़वा लो इसके साथ। हमें अपने चांद से बेटे में ग्रहण नहीं लगवाना है। ग्रहण? आदाब अबू, आदाब अम्मी। आदाब, खुश रहिए बरखुरदार, बड़े अच्छे मौके पे आए हैं। आपकी अम्मी आपके लिए लड़की पसंद फरमा रही है, तो आप अपनी अम्मी की लड़की पसंद करने मदद कीजिए और हम फाइल देखे लेते। चुपचाप बैठे रहो, लड़की पसंद करो। अजी हमारी क्या मजाल की हम लड़की पसंद करें भाई, हम तो आपकी पसंद पर जी हाँ करने के लिए पैदा हुए हैं।
अल्लाह जरा नखरे तो देखिए इस जी जनाब के खस्ते के। बेगम जवान लड़के के सामने तो इज्जत रखिए। क्या कहा? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। अंडर द टेबल कुछ नहीं चलेगा। आज सिर्फ वही तस्वीरें देखी जाएंगी जो थ्रू प्रॉपर चैनल आई हैं, यानी वजीरिया, वालिदा, नसीर आई हैं। बजा फरमाया ना हमने जी। ये क्या कर रहे हैं? अरे तो वही है, क्या नाम है उसका भला? शगुफा, शगुफा अली हैदर। अच्छा ये वही है जो इनको उल्लू की आंख वाला कह रही थी? मुझे पता है, ये तो मुझे मालूम है ये। अजी क्या मालूम है आपको, वो इनकी नाक को तोते की चोंच बता रही। अच्छा चलो 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 तैयार हो जाओ, उनके घर चलते हैं ना। अब आप हमारी तैयारी में और क्या इजाफा करना चाहती हैं भाई? शेरवानी पहन लीजिए, खानदानी लगेंगे। बेगम अब चलो ना। जी 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 चलो। आदाब बेगम साहब। आदाब नूरुद्दीन साहब। आदाब, आदाब। आपने क्यों तकलीफ की, मुझे बुलवा लिया होता। बेगम लगता है इनको हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लग रहा है भाई। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? मैंने सोचा हैदर भाई आप तो हमें बुलवाने वाले हैं नहीं, इसलिए हम खुद ही आदम के। बेगम साहिबा आपका घर है, आपको दावतनामे की जरूरत तो नहीं। बैठे लेते भाई। अब अपनी बात से मुँह करिएगा मत हैदर भाई। किस बात से बेगम साहिबा? इस बात से कि ये घर हमारा है। इसमें क्या शक है? अली हैदर साहब होशियार, ये जाल फेंक रहे हैं। अरे कहने दें, लगता है बेगम फहमीदा को यहाँ की कोई चीज पसंद आ गई है और चलते वक्त कहेंगी भाई हैदर हम इसे उठा के ले जा रहे हैं और आप इनकार भी नहीं कर पाए। मैं भला इनकार क्यों करूंगा? ये वादा भी याद रखिएगा बेगम, अली हैदर जाफरी साहब नबी जादे हैं और नबी जादे कभी अपनी जुबान से नहीं फिरा करते भाई। बस तो हैदर भाई बात यह है कि हमें अपने इस घर की शगुफा पसंद आ गई है, उसी को मांगने आए हैं। आ गए ना चक्कर में भाई आप? ये बात नहीं है नूरुद्दीन साहब, बात यह है कि बिन माँ की शगुफा को अकबरी ने पाल पोस कर बड़ा किया है। शगुफा का रिश्ता अगर आप अकबरी से मांगे तो बेहतर होगा। मैं अकबरी को बुलाता हूँ। हाँ पूरा जल्दी चली ना, बाबा जानी बुला रहे हैं आपको। हाँ बुला रहे हैं तो बुला लेने दो, मैं ये दो पैसा छोड़कर हरगिज भी नहीं जाऊंगी। वो चलिए ना प्लीज। नहीं नहीं जल जाएगा ये। अकबरी नहीं, जी जी तुम्हारी चने की दाल के हलवे के चर्चे मिनिस्ट्री में हो रहे हैं। अल्लाह वाकई। हाँ वो है ना बेगम नूरुद्दीन। हाँ? वो आई है। हाँ? ये जानने के लिए कि ये दाल का हलवा बनता कैसे है। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? अभी बता देते हैं, इसमें रखा ही क्या है। चटमंगनी पट ब्याह वाली बात करना, वजीरों की तरह बातों के लच्छे मत बनाने लगना। लगता है तुमने अपोजिशन वालों से जरूर साठ गांठ कर ली है। आदाब अकबरी आपा। आदाब बेगम नूरुद्दीन साहब। आदाब बैठिए। मैं बैठू कैसे बेगम साहबा, वो चूल्हे पर दो प्याजे की देख चढ़ी हुई है। वैसे चने की दाल का हलवा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, बस हाथों में मजा होना चाहिए, है ना? हलवा वो क्या है कि 24 घंटे बाबूची खाने में रहती ना तो सर जरा। तुमने तो कहा ये लोग वो हलवा। हलवा झूठ है वो। आ नहीं रही थी, मैंने कहा चलिए बेगम साहिबा हलवे। अच्छा तो फिर मैं जा रही हूं। अरे अरे जा कह रही है, बात तो सुनकर जाइए। बेगम नूरुद्दीन अपनी शगुफा का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगने आई हैं। या अल्लाह ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुम बाप हो मियाँ, बात कर लो ना। बाप हूं तो क्या हुआ भाई, शगुफी तो तुम्हारी है ना। मेरी बच्ची अल्लाह मुबारक करे। नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है, तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है, तुम्हारे होठों की सुर्खियों से, तुम्हारे होठों की सुर्खियों से वफा
की शबनम झलक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। महक रही है तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। खुदा की यकीन कर लो, कसम खुदा की यकीन कर लो, कहीं भी ना होगा हुस्न ऐसा। न देखो ऐसे झुका के पल के, न देखो ऐसे झुका के पल के, हमारी बहक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। अजब सी चाहत झलक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। तुम्हारे होठों की सुर्खियों से, तुम्हारे होठों की सुर्खियों से की शबनम छलक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। बाबा जानी
गई तू? हाँ सर। क्यों बेटे, बाबा जानी से बहुत प्यार है? हाँ बहुत प्यार करती हूँ बाबा जानी से। बेटे अब इस प्यार को ऐसा सा कम कर दे। वो क्यों? तू अपने घर जाने वाली है, वहां तुझे इस तरह घुसने के लिए बाबा जानी का लिहाफ नहीं मिलेगा। अब बाबा जानी के बिना जीने की आदत डाल, बड़ी हो जा तू। अगर आप ऐसी बातें करेंगे ना बाबा जानी, तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी। मैं बड़ी क्यों हुई बाबा जानी, मैं बड़ी क्यों हुई? अगर मैं छोटी रहती तो आप ऐसी बातें कभी नहीं करते। बाबा जानी, नहीं बाबा जानी, मैं ठीक हूं। एक नज़्म सुनेगी बेटे? हाँ। मेरे आंसू देख के तू बिल्कुल मत घबरा, ये मत सोच मैं तेरे जाने से दुखी हूं। तू तो सांस है जो बाहर जाने के लिए ही अंदर आई थी। सांसों की तकदीर यही है। फिर भी शगुफा, जाते जाते इतना करना, तेरी जो खुशबू है मेरी गोद में, इसको रहने देना। बाबा जानी, ये मत सोच मैं तन्हा हूंगा। आखिर मैं तन्हा क्यों हूंगा? तेरी मसीहा यादें होंगी, दो दिन की बेटी की यादें, चार बरस की बेटी की हंसती खेलती तस्वीरें, अलमारी में रहती तेरी हंसती खेलती गुड़िया, तेरी शरारत के पैरों के सारे घुंघरू, तेरी हंसी का खुशबूदार मुलायम जादू। बाबा जानी, मुफी मेरी बेटी। मैं फोन सुनकर आता हूं। नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती नसीर। मगर क्यों शगुफा? बाबा जानी बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। यार माँ बाप को कभी ना कभी तो अकेले होना ही पड़ता है ना। ये एक स्पेशल केस है नसीर, बाबा जानी के इस अकेलेपन की जिम्मेदार मैं हूँ। अरे यार, यहाँ तो जान पर बनी हुई है और तुम पहेलियां बुझा रही हो। अपनी मदर की बेवक्त मौत की जिम्मेदार तुम कैसे हो सकती हो शगुफा? मौत भी कभी किसी को इतना तन्हा नहीं करती नसीर, तन्हा तो करती है जिंदगी। जिंदगी, बाबा जानी, अम्मी जान और मैं, इट वॉज अ फैमिली टू रिमेम्बर। हमारे घर में आंसुओं को आने की भी इजाजत नहीं थी। अब भी मेरा जी चाहता है कि मैं 6-7 साल की वही लड़की बन जाऊं। चांदनी है और तुम मेरे साथ हो, आज रात चांदनी है और तुम मेरे साथ हो। बस ये दुआ है मेरी, ऐसी हर एक रात हो। चांदनी है और तुम मेरे साथ हो, बस ये दुआ है मेरी, ऐसी हर एक रात हो। खुशियाँ तेरे चूमे
ना दूं मैं कभी कुछ पे गम, खुशियाँ तेरे चूमे कदम, आने ना दूं मैं कभी कुछ पे गम, ये मुस्कुराहट कभी हो ना कम, ख्वाबों की रागिनी सजे, तारों की बारात हो, बस ये दुआ है मेरी, ऐसी हर एक रात हो, आज रात जागनी है और तू मेरे साथ हो, बस ये दुआ है मेरी, ऐसी हर एक रात हो, आज रात जागनी है और तुम मेरे साथ हो। हमारे हंसते खेलते घर को न जाने किसकी नजर लग गई। एक दिन कार एक्सीडेंट में अम्मी अल्लाह को प्यारी हो गई और हमारे खुशियों से भरे घर में मातम छा गया। वो मनहूस दिन आज भी पत्थर की लकीर की तरह मेरी रूह के माथे पर खुदा हुआ है। उसी दिन से बाबा जानी ने अम्मी की जगह ले ली, वो मेरे लिए जीने लगे। कहने को तो उन्होंने मुझे अकबरी बुआ के हवाले कर दिया था, मगर वही मेरी कंघी करते, खाना खिलाते मुझे और मुझे स्कूल ले जाते। अरे निया, हमारे रसूल अल्लाह की सबसे लाडली बेटी थी बीबी फातिमा, पर उन्होंने अपनी बेटी को बिगाड़ा नहीं था तुम्हारी तरह। हाँ, हम कोई रसूल अल्लाह नहीं है, हम तो अपनी बेटी को बिगाड़ेंगे बिगाड़ेंगे बिगाड़ेंगे। अरे अरे निया, तुम क्यों आए मेरे बावर्ची खाने में? हाँ अकबरी, बिटिया तुम्हारा हाथ बटा रही है, हम अपनी बिटिया का हाथ बटाने हैं। क्यों बिटिया? लो मेरे पास लो, मैं बनाता हूँ। ये तो कुछ और ही बन गया बिटिया। बुआ देख नहीं रही है, फिर से बोल लो। ए मिया, ये रोटी है या खरगोश? हाँ अरे गोल रोटी तो कोई भी बना लेगा अकबरी, इस नमूने को बना के दिखाए ना तो 10 रुपए इनाम दूं। मेरे बाबा जानी जैसी अच्छी रोटी तो कोई बेल ही नहीं सकता। हाँ। जी बिटिया जी, आपके बाबा जानी तो सीधे नवाब रामपुर के बावर्ची खाने से चले आ रहे हैं। अरे हाँ। अकबरी, हाँ किसने बताया तुम्हें? याल्ला वक्त पर आने में तो आपका जवाब नहीं है अली हैदर साहब। सर पता है, पता है, हर सवाल का जवाब शगुफा। आप उसकी मां भी हैं, बाप भी हैं, आप उसकी दादी नानी कुछ भी बन जाइए अली हैदर साहब, लेकिन यह मत भूलेगा कि आप एक डीएसपी भी हैं। सॉरी सर। आज फिर डांट पड़ गई ना अफसर से। देखो बात यह है, आदमी तो तुम एक ही हो मियां, लेकिन तुम पुलिसमैन भी बनना चाहते हो, मां भी बनना चाहते हो और बाप भी, तो ये हो तो नहीं सकता ना मियां। क्यों? तुम कम से कम ऐसा करो कि शगुफा बिटिया के लिए गुस्तानी रख दो। हाँ बस। क्या बात कर रही हो अकबर, गुस्तानी रख लो? हाँ बिल्कुल, उसने मेरी बेटी को डांट के तो मैं बर्दाश्त करूंगा। हाय हाय, डांटेंगी कैसे, वो मेरे होते हुए डांटेंगी? मैं सवार नहीं रहूंगी उसकी सूरत पर, मुझे जरा भी कड़ी आंख डाली तो। हाँ अखबार में देकर ना वो बुला लेते हैं ना, वो क्या वो इंटरव्यू बुला लो। चलो ना बाबा जानी, आओ ना, आप डरते क्यों हो? मियां इतना भी क्या घबरा रहे हो, कुरान के तीनों कुल पढ़कर दम कर लो, जी ठहर जाएगा तुम्हारा। मैं बाहर देकर आती हूँ। बिटिया इधर आना, बाबा जानी का जरा ख्याल रखना। हालत तो देखो इनकी। मैं क्या डरता हूँ, ख्याल रखना। आ गई ओ मियां, टीचर नहीं आ गई? बाबा जानी टीचर आ गई। आ गई, आने दो आने दो, ये अली मदद। आदाब। आदाब। आ गई, बैठिए।
आदाब, जीती रहो जीती रहो। आप तशरीफ रखिए ना। जी शुक्रिया। आदाब। जीते रहिए। बाबा जानी। बोलो बेटे। आप तो कहते थे कि टीचरों की शक्ल बड़ी डरावनी होती है। तो मैंने कब कहा था बेटी? कैसे नहीं कहा था, कहा था ना बुआ? हाँ हाँ बेटे, कहा तो था मियां। हाँ। अकबरी क्या हो गया है तुम दोनों को, कहके इन दोनों को मजाक की आदत है मिस विलग्रामी। मगर बाबा जानी ये टीचर तो बड़ी अच्छी है। हाँ ये बहुत अच्छी बेटा, ये तो बहुत अच्छी है। क्या है कि आप परेशान ना हो, मैं आपका मतलब समझ गई थी। थैंक यू वेरी मच। बैठो बेटे बैठो, घबराते नहीं, डर रही है खामखा बेचारी। टीचर आपको इंटरव्यू देना आता है ना? जी हाँ मुझे तो इंटरव्यू देना आता है। तो आप प्लीज बाबा जानी को इंटरव्यू दे दीजिए, अब सब ठीक हो गया ना? हाँ शुगुफी सब ठीक कर दिया तूने, थैंक यू। माय प्लेजर बाबा जानी। जी मेरा नाम नाहिद बिलग्रामी है और मैंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए बीएड किया है। जी वो तो मैं आपकी एप्लीकेशन में पढ़ चुका हूँ। आज तो मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि आप और शगुफी मिल लें। माय नेम इज शगुफा अली हैदर एंड आई एम ग्लैड टू मीट यू। सेम हियर। मेरे बाल बनाना आता नहीं, अभी तक नहीं बनाया। कैसे नहीं आते बाल बनाने, देखो तो कितने अच्छे बनाए हैं। आदाब। आदाब। आदाब टीचर। आदाब। लाइए एक अंगी मुझे दे दीजिए। दीजिए ना। शुक्र है अल्लाह आज डांट नहीं पड़ेगी। डांट? वो क्या है कि हमारी ये शगुफा अली हैदर है ना, इनकी वजह से हम देर से जाते हैं और हमारे एसपी साहब को हमारी घड़ी से अपनी घड़ी मिलाने के लिए सिर्फ 35 मिनट पीछे करनी पड़ती है। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाबा जानी। बेटे तुम्हारी टीचर नहीं आई? अरे आदाब। आदाब। देखिए आपसे हमें एक शिकायत है। जी मुझसे शिकायत? आपने हमारी बेटी पर कब्जा कर लिया है, दिन रात आपके नाम का वजीफा पढ़ती रहती है। आप चाय लेंगे? जी नहीं शुक्रिया, आज मुझे जरा जल्दी घर जाना है। बिल्कुल नहीं बाबा जानी, आज बुआ ने आपके लिए मुर्ग मुसल्लम बनाया है। वो किस खुशी में? इसलिए कि आज आपकी सालगिरह है। ये मत पूछिए मुझे कैसे पता चला, आपने जो एप्लीकेशन की थी ना उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ थी। हैप्पी बर्थडे टीचर। हैप्पी बर्थडे टू यू। शुक्रिया। हु इज राम? राम इज अ गुड बॉय, ही लव्स हिज फादर। मगर टीचर वो अपने फादर को इतना थोड़ी चाहता होगा जितना मैं अपने बाबा जानी को चाहती हूँ। तुम हर बात पे अपने बाबा जानी को खींच के क्यों ले आती हो? आपको मेरे बाबा जानी अच्छे नहीं लगते क्या? ही इज द बेस्ट फादर टीचर। अपना फादर तो सभी को अच्छा लगता है शगुफा। तो आज रात मैं बाबा जानी से कह दूंगी कि वो आपको अच्छे नहीं लगते। अरे अरे शगुफा अली हैदर, मैंने ऐसा कब कहा? मेरा गुनाह माफ कीजिए, मुझे आपके बाबा जानी बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए अब आप लिखिए। आदाब मिस विलग्रामी। जी आदाब। लीजिए चाय पीजिए। आपने तकलीफ क्यों की? वो क्या है कि अकबरी नमाज पढ़ रही है, मेरा चाय पीने को जी चाहा, मैंने सोचा एक प्याला आपको दे दूं। लीजिए इधर से पकड़िए, गर्म है जरा। बहुत बहुत शुक्रिया। पता है बाबा जानी आप टीचर को बहुत अच्छे लगते हैं। शगुफा अल्लाह से डरो। मैं क्यों डरू, अभी तो आपने कहा था। अच्छा फजूल की बातें बंद कीजिए और बैठ कर अपने आंसर लिखिए। पढ़ो बेटे पढ़ाई करो। किसी मेहरबानियाँ
मेरी जिंदगी सजा दी किसी मेहरबानी आके मेरी जिंदगी सजा दी मेरे दिल की धड़कनों में मेरे दिल की धड़कनों में नहीं यार जो जगा दी किसी मेहरबानी आके मेरी जिंदगी सजा दी मेरे दिल की धड़कनों में मेरे दिल की धड़कनों में नई आरज़ू जगा दी किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दी मिया, शगुफा बिटिया को नौकरानी या टीचरनी से ज्यादा एक माँ की जरूरत है। सच्चे आ गई हो अकबरी। जरा देखो तो मिया, कैसी अच्छी लग रही है टीचरनी के पास, जैसे गमले में पौधा। तुम पागल हो गई हो अकबरी। घूरो मत मुझे मिया, घूरो मत, मैं अंधी नहीं हूँ, क्या मैं देखती नहीं? तुम कैसे देखते हो उसकी तरफ और वो कैसे देखती है तुम्हारी तरफ? देखो मिया, अगर ये हो जाए ना तो शगुफा बिटिया के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आगे मर्जी तुम्हारी। हाँ अरे शगुफा जानी हम भी गए। वाह वाह वाह, अरे सर्दी लग जाएगी। हाँ
अकबरी जल्दी से इसके कपड़े बदलो और वो अदरक की चाय बनाओ सबके लिए। चलो बेटे, चलो टीचर हम अभी आते हैं। आते आते अभी तो बिल्कुल भीग गई हैं। एक काम कीजिए, वो ऊपर कुछ कपड़े पड़े हैं, आप बदल लीजिए। आइए, शर्माइए मत, चाय बदल लीजिए, इस तरह बीमार हो जाएंगे आप। चलिए मैं आपको बताता हूं, आइए। इस अलमारी में कपड़े पड़े हैं, जो अच्छे लगे पहन लीजिए। जी। बाबा जानी हम आ गए। मेरी शहजादी। बाबा जानी, कल आप मेरे बर्थडे के लिए क्या देंगे? बेटे, कल हम आपको एक ऐसा खूबसूरत तोहफा देंगे, ऐसा खूबसूरत तोहफा देंगे कि आप खुशी से नाच उठेंगी। वो क्या है? भाई देखो, बर्थडे का तोहफा है तो बर्थडे के दिन ही दिया जाएगा ना, और उसे अच्छे ढंग से रैप करके दिया जाएगा। हाँ, अगर आज ही जानना चाहती है तो फिर रिश्वत दो। अच्छा ये बताओ शगुफी, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए? सबसे ज्यादा तो मुझे बाबा जानी चाहिए। बाबा जानी के बाद क्या चाहिए? बाबा जानी के बाद शगुफा। बाबा जानी, ये मेरी अम्मी की साड़ी है। शगुफा, ये मेरी अम्मी की साड़ी है, ये मेरी अम्मी की साड़ी पहनी है। तो उन्हें नहीं पहने दूंगी, नहीं पहने दूंगी, नहीं पहने दूंगी। पागल हो गए तुम? पापा जानी छोड़िए मुझे, टीचर को मैं अपनी अम्मी की साड़ी नहीं पहने दूंगी, छोड़िए मुझे। बहुत बदतमीज हो गई शगुफा, ये तुम्हारी टीचर है तो मैं माफी मांगनी पड़ेगी। मैं क्यों मांगू माफी, उन्होंने मेरी अम्मी की साड़ी क्यों पहनी? ले जाओ, ले जाओ। शगुफा, पहले तुम्हारी मम्मी की साड़ी उतार दे। I'm very sorry. नहीं, मिस बिलग्रामी कहिए हैदर साहब। शगुफा की हरकत के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं, वो बच्ची है, अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सकी, मुझे उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। शगुफा बहुत अच्छी लड़की है हैदर साहब, और वो मुझे हमेशा याद रहेगी। मगर मैं वो अपनी अम्मा को खो चुकी है हैदर साहब, और मैं ये नहीं चाहती कि वो अपने बाबा जानी को भी खो दे। खुदा हाफिज। जीती बाजी हार गए हम।
हम किस्मत ही कुछ ऐसी थी कर ना सके हम प्यार का सौदा किस्मत ही कुछ ऐसी थी सके हम प्यार का सौदा कीमत ही कुछ ऐसी थी हमको मिली ना तुमको मिली वो चाहत ही कुछ ऐसी थी जानी को तन्हाई की सजा देने के बाद मैं तुम्हारे साथ खुश रहने के सपने कैसे देख सकती हूं पहले तुम अपने आंसू पोंछो फिर बताऊंगा तब तुम बहुत छोटी थी शगुफा फिर भी नसीर बाबा जानी की इसी तन्हाई की जिम्मेदार तो मैं थी ना अब मैं अपने आप को वही सजा दूंगी तुमको ज्यादा ही जज्बाती हो रही हो क्योंकि नहीं नसीर हमारे खुशियों के आंगन में बाबा जानी की तन्हाई हमेशा खड़ी रहेगी और मुझसे सवाल करती रहेगी तो अपने आप को सजा देने की जगह तुम अंकल की तन्हाई का इलाज क्यों नहीं करती शगुफा अंकल भी यही है और मिस बिलग्रामी भी आज भी मिस बिलग्रामी ही है इसका मतलब यह है कि वो अंकल को भूली नहीं Are you sure? Of course I'm sure. तुम मुझे एक वजह बताओ कि इतनी खूबसूरत इतनी जीती जागती मिस बिलग्रामी ने आज तक शादी क्यों नहीं की हम दोनों मिले या ना मिले शगुफा तुम उन दोनों की कर्जदार हो कम से कम ये कर्ज तो अदा कर दो सर सर आपने आज के आवाज का एडिटोरियल पढ़ा क्या कोई नई गाली दी है नहीं सर उन्होंने आज आपकी तारीफ की है क्या बात कर रहे हो नहीं नहीं सर देखिए आज के आवाज के एडिटोरियल ने आपकी बहुत तारीफ की है
लिखा है कि आपने क्राइम के लहर को 100% खत्म कर दिया है। बस बस इसे बंद कीजिए मिस्टर सिंह, यह सन्नाटा किसी बहुत बड़े तूफान के आने की खबर भी हो सकता है। आपने ये क्या किया भाई खान, पुलिस वालों को मार दिया? अल-एहद खान कभी किसी को उधार नहीं रखता। उस अली हैदर की चार लाशें मुझ पर उधार थी, दो आज उधार दी तो फिर कभी सही। The car for fingerprints. Yes, sir. किसके घर की निगरानी कर रहे थे ये लोग? जी, श्रीवास्तव साहब के बेटे बंटी श्रीवास्तव की। श्रीवास्तव साहब के घर के ऑफिस के तमाम फोन टैप होने चाहिए। This is very urgent. Okay? Yes, sir. सुनिए जी, रात के 10:30 बज गए, अभी तक बंटी घर नहीं लौटा है और नूरुद्दीन भाई साहब के घर पर भी नहीं है। आ जाएगा मोहिनी, तुम्हें तो बस खाम खाम परेशान हो जाने का शौक हो गया भाई, कहीं दोस्तों के साथ बैठ गया होगा तो फोन ही कर दिया होता। लो आगे आपके लाडले का फोन। हेलो, श्रीवास्तव स्पीकिंग। तुम्हारे बेटे बंटी को हमने किडनैप कर लिया है। व्हाट, क्या हुआ? और सुनो, अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो पुलिस को बीच में मत लाना। मगर भाई सुनिए तो। बात मत काटो, 20 लाख का बंदोबस्त करो। कल किसी वक्त फोन करके बताऊंगा ये रुपए लेकर कहां आना है। हेलो हेलो, क्या हुआ? बोलो ना, क्या हुआ, क्या हुआ है? बोलते क्यों नहीं क्या हुआ? बंटी, क्या हुआ है बंटी को? मेरे बंटी को क्या हुआ? प्लीज बोलो ना, प्लीज। प्लीज मेरे बंटी को क्या हुआ है? मोहिनी, बंटी को किडनैप कर लिया गया है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरे बंटी को किडनैप नहीं किया है, ये सच नहीं हो सकता। मोहिनी मत रो, देखो उन्होंने 20 लाख रुपए ही तो मांगे हैं। ये पैसे देकर मैं अपने अपनी बंटी को छुड़वा लाऊंगा। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ करते क्यों नहीं तुम? मोहिनी, मैं उनके दूसरे फोन के इंतजार के अलावा और कर भी क्या सकता हूं? सर, कॉल ट्रेस हो गई है सर। कहां से? ग्रैंड होटल के सामने वाले पब्लिक बूथ से सर। ग्रैंड होटल कहां है? नेशनल हाईवे 32 पर, शहर से कोई 4 किलोमीटर बाहर। सर, नेशनल हाईवे पे चलें? वो इस वक्त वहां होगा तो नहीं, लेकिन फिर भी आप 24 घंटे बूथ पर नजर रखिएगा। यस सर। चलिए श्रीवास्तव के घर चलते हैं। चलिए सर। साहब, कमिश्नर साहब आए हैं। बुलाओ। आधा वर्ष करता हूँ श्रीवास्तव। अली हैदर साहब, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैं एक बहुत बुरी खबर लेकर आया हूँ। जी, बुरी खबर? बुरी ही नहीं बल्कि बहुत बुरी खबर है। कुछ लोगों ने आपके बेटे बंटी श्रीवास्तव को अगवा कर लिया है। कमिश्नर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अभी अपने बेटे बंटी के साथ फोन पे बात कर रहा था साहब। बातों में वक्त जाया मत कीजिए श्रीवास्तव साहब। आप इस वक्त अपने बेटे बंटी से नहीं बल्कि उन किडनैपर से बात कर रहे थे। सिंह। यस सर। तुम्हारे बेटे बंटी को
हमने किडनैप कर लिया है। What? और सुनो, अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो पुलिस में मत। अब बताइए श्रीवास्तव साहब, आपने मेरा फोन टैप किया? अगर मैं आपका फोन टैप नहीं करता तो आप मुझे इस वारदात के बारे में हरगिज हरगिज नहीं बताते। लुक हियर हैदर साहब, बंटी मेरा इकलौता बेटा है, आपकी जरा सी लापरवाही से उसकी जान जा सकती है। फॉर गॉड सेक, आप इस बीच में मत आइए प्लीज। मैं आपका दुश्मन नहीं हूं श्रीवास्तव साहब, प्लीज लेट मी टैकल दिस केस। और देखिए, सारे हिंदुस्तान में और भी जो इकलौते बेटे हैं उनके बारे में सोचिए आप। लेकिन वो सारे बेटे मेरे इकलौते बेटे नहीं हैं हैदर साहब, आप एक पुलिस अफसर नहीं, सर आप पाप बनकर सोचिए प्लीज। अगर बंटी को कुछ हो गया हैदर साहब तो मैं आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, उसे बचाने के लिए हमारा कानून हर टू हेल विद योर कानून मिस्टर अली हैदर, मुझे मेरे बेटे की जान की पड़ी है और आप मुझे कानून सिखा रहे हैं। आपको अपने बंटी की जान की फिक्र है लेकिन उन हजारों मासूम बच्चे बच्चियों की जान की फिक्र नहीं जिनके माँ बाप रैंसम नहीं दे सकते। मिस्टर अली हैदर, आप चले जाइए यहां से प्लीज। इतनी छोटी सी बात आपकी समझ में नहीं आ रही कि मेरे इकलौते बेटे बंटी की जान खतरे में है? मैं जानता हूं आपके बेटे की जान खतरे में है लेकिन आपके बेटे की जान बचाते हुए मेरे दो जवान भी मारे गए, वो भी किसी के बेटे थे। उनके मां बाप से जाकर कह दूं कि उनके बेटों की कोई कीमत नहीं, कीमत है तो सिर्फ श्रीवास्तव साहब जैसे अमीरों के बेटों की है। Shut up and get out। और जाते जाते ये भी सुन लीजिए कि मैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए रैंसम दूंगा मिस्टर कमिश्नर। आप रैंसम नहीं देंगे, पुलिस कमिश्नर होने की हैसियत से मैं आपको यह हुक्म देता हूं। आप अपना यह हुक्म भी अपने साथ में लेते जाइए कमिश्नर साहब, क्योंकि आपके इस हुक्म के बावजूद भी मैं रैंसम जरूर दूंगा। हमने अर्ज किया है ना भाईजान, हमने अली हैदर को बुलवा भेजा है, वो भी आते ही होंगे, हम उन्हें समझा देंगे। Why don't you try to understand? वो समझाने से समझने वाले इंसानों में से नहीं है साहब, उन्हें आप हुक्म दीजिए। हुक्म भाईजान। May I come in, sir? Yes, please come in. Good morning, sir. Good morning, श्रीवास्तव साहब। तशरीफ रखें। उनका कोई और फोन है? दूसरे फोन को भूल जाएं, अली हैदर साहब। और हमारी एक बात गौर से सुने, हम उसूलन और जज्बातन इस बात में यकीन रखते हैं कि इस मुल्क के एक शहरी की जिंदगी रिजर्व बैंक के सारे छापे हुए नोटों से ज्यादा कीमती है, क्योंकि नोट दोबारा छापे जा सकते हैं मगर जिंदगी दोबारा नहीं मिल सकती। एक सजेशन है सर, किडनैपिंग्स और बैंक रॉबरीज इन्हें लीगलाइज कर दीजिए, इनकम टैक्स भी मिलता रहेगा और साथ साथ वेल्थ टैक्स भी। अली हैदर साहब, हम आपकी सिंसेरिटी और ईमानदारी के कदरदान हैं, इसलिए कोई बहस नहीं करना चाहते। श्रीवास्तव साहब, आप रैंसम की तैयारी कीजिए, हैदर साहब कुछ नहीं करेंगे। इन दैट केस रैंसम लेकर मैं जाऊंगा। हाँ हाँ, ताकि आपको देखते मेरे बंटी को वो गोली मार दे साहब। मुझे समझने की कोशिश कीजिए श्रीवास्तव साहब, आप रैंसम लेकर जाएंगे, बंटी को छुड़ा लाएंगे। और आप क्या करेंगे? मैं भी रैंसम ही दूंगा मगर सुराग पाने के लिए मेरी आंखें ट्रेंड है सर। बात तो आप ठीक कह रहे हैं मगर एक बात समझ लीजिएगा अली हैदर साहब, अगर बंटी को कुछ हो गया तो आपको बहुत भारी पड़ेगा। राइट सर। श्रीवास्तव भैया। बोलो मत, सुनो, रुपए तैयार है क्या? जी, पैसे ले लीजिए, मेरा बेटा मुझे वापस कर दीजिए प्लीज। तुम्हारा बेटा तो तुम्हें मिल ही जाएगा, रात को ठीक 10 बजे अपनी मर्सिडीज कार चलाते हुए निकलो और नेहरू रोड पर चलते रहो, नेहरू रोड और नेहरू रोड की क्रॉसिंग से बाएं मुड़ जाओ और
एक किलोमीटर आगे जाकर गाड़ी रोक लो। ठीक 10:30 बजे कोई तुमसे मिलेगा और वक्त पूछेगा। फिर उसके बाद जो भी कुछ कहेगा वही करते जाना। समझे? ना पंटी आपसे लूंगी भैया। एनी न्यूज सर? गुड न्यूज सर, शुक्ला ने उस घर का पता लगा लिया जहां उन्होंने बंटी को बंद कर रखा है। दैट्स ग्रेट। एक काम करो, उस घर की नाकाबंदी कर लो, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। ओके सर। एक आदमी मुझे 10:30 बजे मिल रहा है, जैसे मैं उस पर काबू पा लूं तुम धावा बोल देना। ओके सर। ऑल द बेस्ट, गो अहेड। यस। रुपए लाए हो? जी हाँ। दिखाओ। आप? मैं फौजदार सिंह। अटैक। बात हो गए नूरुद्दीन भाई, बर्बाद हो गए। अली हैदर, देख मेरे बेटे की लाश को, देख देख इस घर की बर्बादी को, अली हैदर देख मेरे बेटे की लाश को। क्या बिखारा था इस बार तुमने तेरा? चल अब चल के मेरे बेटे की लाश को तखमे की तरह छाती पर लगा ले। अली हैदर छाती पर लगा ले। जनाब श्रीवास्तव साहब आप। अरे वो क्या देखेंगे? तू देख, देख मेरे जवान बेटे की लाश को देख। आप जाइए यहाँ से, आप यहाँ तशरीफ ले। अरे ये कहा जाएगा? ये हत्या रहा है, इसने मेरे बेटे को मारा। भाईजान क्या कर रहे हैं आप? जाइए ना यहाँ से। आप जाइए प्लीज। ये कई बात हम लोग होश में आए। भाईजान होश में आए। आप यहाँ से निकल जाइए, चले जाइए आप यहाँ से। हम आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं। Please stop shouting and listen to me, please, please. आप खूनी हैं, मर्डर हैं, किलर हैं। आप जाइए, आप निकलिए। Please, please. हमारी दरख्वास्त है आप लोगों से कमिश्नर साहब को बोलने का मौका दें। हम आपके इस कमिश्नर से सिर्फ इसके इस्तीफे की बात सुनना चाहते हैं साहब। अगर मैं अपनी बेगुनाही का सबूत पेश कर दूं, तो भी आपको मेरा रेजिग्नेशन चाहिए? अगर आपने ये मजाक किया है
तो ये मजाक बहुत ही बुरे टेस्ट में है। ठीक है, साबित कीजिए अपनी बेगुनाही। आप लोग पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सुन लीजिए डॉक्टर साहब। मैंने बंटी श्रीवास्तव की लाश का पोस्टमार्टम किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि वह जिंदा है। जी नहीं, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उनकी मौत मौत नहीं कत्ल है डॉक्टर, कत्ल। देखिए मैडम, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं सिर्फ जिंदगी और मौत की बात कर सकता हूं। बंटी श्रीवास्तव मरे या मारे गए, इसका फैसला अदालत करेगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बंटी श्रीवास्तव की मौत पोस्टमार्टम से कम दो दिन पहले हो चुकी है। थैंक यू डॉक्टर। बंटी, हमारे अजीज दोस्त श्रीवास्तव साहब का बेटा और हमारे बेटे का दोस्त, आज से पहले हम भी आप ही की तरह कमिश्नर साहब को बंटी की मौत का जिम्मेदार समझते थे, मगर अभी अभी हम बंटी के कातिलों में से एक से मिलकर आ रहे हैं। उसने सिटी मजिस्ट्रेट मिस्टर रैना के सामने अकबाले जुर्म किया है कि जिस दिन बंटी किडनैप हुआ था उसी रात उसने भागने की कोशिश की थी और उन लोगों के हाथों मारा गया। आप सबसे मेरी दरख्वास्त है, घर जाकर इतना जरूर सोचिएगा कि अगर श्रीवास्तव साहब रैंसम लेकर वहां पहुंचते भी तो भी इन्हें इनका बेटा नहीं मिलता। चलिए जनाब। बोल बोल कमीने बोल, मुझसे बोलना शुरू कर दे पुत्र, क्योंकि अगर हैदर साहब ने पूछना शुरू किया तो तेरी हड्डियां भी भर भर बोलने लग जाएगी। बोल 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 कमीने बोल 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 बोल। कुछ बोला ये? नहीं सर, मुझे धमकी दे रहा है। धमकी दे रहा है? तो मुसलमान है? नहीं तो मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम किडनैपिंग के खिलाफ है। फिर भी नाम से तो मुसलमान है, अब रमजान में क्या पूछूं? ईद हो जाने दे, सब कुछ पूछ लूंगा। माशाल्लाह क्या हाथ है। इस नस की जड़ें कहां पहुंचती हैं अगर नहीं मालूम तो सिंह से पूछ लेना। ईद के बाद तू तो क्या, तेरा बाप भी बताएगा सब कुछ। भाई आपने तो तहलका मचा दिया अली हैदर साहब, चाहे के बच्चे बच्चे के मुंह पर आपका नाम है। पहले आपने श्रीवास्तव के बैंक को बचाया और अब ये खालिद अंसारी। खालिद अंसारी? हाँ। ओह खालिद अंसारी, बंटी मर्डर केस वाला। बड़ी सज्जान है जनाब, कड़ी से कड़ी सजा मैं उसे दे चुका, बकता ही नहीं वो, और मेरे ख्याल से वो बोलेगा भी नहीं हैदर साहब। खालिद बोलेगा जनाब, जरूर बोलेगा। अगर वो ना बोला तो उसके हलक में उंगली डालकर मैं उसे बलवाऊंगा, और जिस दिन वो बक पड़ा उसी दिन किडनैपिंग्स का ये रैकेट खत्म हो जाएगा। वेल आई कैन ओनली विश यू बेस्ट ऑफ लक मिस्टर हैदर। थैंक यू वेरी मच। अरे जाओ भाई, छोड़कर आओ शेख साहब को। सर, हमजा साहब का यहां बेवक्त आना मेरे को समझ में नहीं आया सर। मेरी समझ में आ गया, इन्हें कैसे पता चला कि जो पकड़ा गया उसका नाम खालिद अंसारी है? हमने तो ये किसी को नहीं बताया था कि उसका नाम खालिद अंसारी है। सुनो अहद, बोलो हमजा शेख। इससे पहले ये अली हैदर खालिद अंसारी से सब कुछ उगलवा ले, या तो खालिद को खत्म करवा दो या फिर इस अली हैदर का कुछ इलाज करो, नहीं तो ये समझ लो कि आने वाली ईद हम सबके लिए आखिरी ईद होगी। अल्लाह हो अकबर, अल्लाह हो अकबर, अल्लाह हो अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंता सलाम इनका सलाम, आमीन आमीन या अल्लाह।
ईद मुबारक हो मौलवी साहब, बहुत बहुत मुबारक भाई जान, ईद मुबारक हो। ईद मुबारक भाई, आप सब भाइयों को ईद की बहुत 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 मुबारक हो। किस ईद की मुबारकबाद, कैसी मुबारकबाद मिनिस्टर साहब? इस मुल्क में बदमनी, तोड़फोड़ और ये मनहूस किडनैपिंग, इन सब के लिए सरकार क्या कर रही है? हाँ, जवाब दीजिए, सरकार क्या कर रही है? भाई सरकार तो वो सब कुछ कर रही है जो कर सकती है, मगर कभी हम लोगों ने ये सोचा कि आवाम अपने मुल्क के लिए क्या कर रहा है? हम इस मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं? आप ही सब कुछ कर सकते हैं, मगर अफसोस है हमारे अजीम हिंदुस्तान में हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मराठी हैं, गुजराती हैं, बंगाली हैं, पंजाबी हैं, कश्मीरी हैं, मगर हम में से कोई भी हिंदुस्तानी नहीं। जिस दिन हम हिंदुस्तानी हो गए, यकीन मानिए बहुत सारे मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। कमिश्नर साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैं क्या कहूंगा जनाब, मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम एक दूसरे को कसूरवार ठहराने के आदि हो चुके हैं। ईद के आज इस मुबारक दिन पर हमें अहद करना चाहिए, हम अपने वतन को मरने नहीं देंगे। आमीन। शगुफा आओ, आओ ना। आदाब। आदाब, ईद मुबारक हो। आपको भी ईद मुबारक हो टीचर। टीचर, मैं 6-7 साल की उस शगुफा की तरफ से माफी मांगने आई हूं टीचर, जिसने एक शाम आपसे बड़ी बदतमीजी की थी। क्या ये ईदी देंगी आप? ये क्या लाइट चली गई? अरे अकबरी, अकबरी, शगुफा कहाँ गए सब लोग? शगुफा, शगुफी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बाबा जान, आई लव नसीर एंड शगुफी। अल्लाह उम्र दराज करे मियां। अकबरी, तेरी दोस्त ही तो ये सब कुछ है। You're right बाबा जानी। ऐ शगुफी, देख तू जाने वाली है, इतना प्यार ना किया कर कि मैं जी ना सकूं। आप फिक्र मत कीजिए बाबा जानी, मैं आपके जीने का इंतजाम किए बिना यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। अरे बेटे, केक ले आया, लेकिन मेरा वो बर्थडे प्रेजेंट कहाँ है? बर्थडे के एक्साइटमेंट में आपको प्रेजेंट देना भूल ही गई। मगर मैं नहीं भूला था अंकल। तो कहाँ है, दिखाओ भाई। वो क्या है ना अंकल कि वो जरा भारी है, इसलिए लाने में भारी है। तो चलो मैं गिफ्ट के पास चलता हूँ। पहले आंखें बंद कीजिए। कर लो मियाँ, कर लो आंखें बंद। ए, कोई शरारत तो नहीं करेगी? मैं नहीं करूंगी शरारत। लो बंद कर ली। चलिए। रुकिए बाबा जानी, आंखें मत खोलिए। हाँ, अरे नहीं खोलूंगा। खुल जा सिम सिम। हैप्पी बर्थडे बाबा जानी, हम दोनों की तरफ से ये तोहफा कबूल कीजिए। इस तोहफे का नाम अम्मी जान है।
और ये जोड़ा मैंने खुद चुना है। आज जब नसीर मेरी जिंदगी में है, मैं समझ सकती हूं कि वो 12-13 साल आप दोनों पर कैसे गुजरे होंगे। अम्मी जान ने उस 6-7 साल की बच्ची को माफ कर दिया। आप भी अपनी शगुफी को माफ कर दीजिए बाबा जानी, माफ कर दीजिए ना बाबा जानी, माफ कर दीजिए। मैं जानता था मेरी बेटी मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन इतना प्यार करती है मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। सालों तो करार आएगा, दिल में बसा लो तो करार आएगा, फिर ना किसी पे इतना प्यार आएगा, फिर ना किसी पे इतना प्यार आएगा, अपना बना लो तो करार आएगा, अपना बना लो तो बसा लो तो करार आएगा, अपना बना लो तो करार आएगा। छुपा लो तो करार आएगा, आंखों में छुपा लो तो करार आएगा, फिर ना किसी पे इतना प्यार आएगा, फिर ना किसी पे इतना प्यार आएगा, अपना बना लो तो करार, सालों तो करार आएगा। बसा लो तो करार आएगा,
छुपा लो तो करार आएगा। हेलो हेलो ओल्ड फ्रेंड, कौन है आप? काम की बात यह है कमिश्नर कि तुम्हारी बेटी शगुफा मेरे कब्जे में है और मुझे तुमसे उसका रैंसम चाहिए। क्या चाहते हो? कल के अखबार से पता चल जाएगा हमारी तुम्हारी लेन देन, पब्लिक की आंखों तले होगी यू बास्टर्ड। जनाब अली हैदर साहब, यहाँ आप अपने जन्मदिन का जश्न मना रहे हैं और वहाँ नसीर को, आपके होने वाले दामाद को किडनैप कर दिया। नसीर किडनैप हो गया, मेरी शगुफा को भी किडनैप कर लिया गया। आप तो वाकई पागल हैं। शगुफा के किडनैप होने की खबर तो ऐसे दे रहे जैसे वो आपकी बेटी ही ना हो। मैं आपसे वादा करता हूं आपके बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। आप और आपके वादे, नसीर और शगुफा को उन्होंने किडनैप नहीं किया है बल्कि आपकी जिद और आपके इनह्यूमन रवैये ने उन्हें किडनैप करवाया है। मिस्टर कमिश्नर, क्या ये बात सही है कि नूरुद्दीन साहब के बेटे और आपकी बेटी को किडनैप कर लिया गया है? क्या आप इस बात को कंफर्म करते हैं? यस और नो? नो कमेंट्स। किडनैपर्स ने प्रेस को कांटेक्ट किया है मिस्टर कमिश्नर, और रैंसम के तौर पे खालिद अंसारी की रिहाई और मंत्री महोदय से 20 लाख रुपए और आपसे आपके एक महीने की तनख्वाह मांग रहे हैं। क्या आप इस बात को कन्फर्म करते हैं? यस और नो? नो कमेंट्स। मुझसे कल के अखबार का इंतजार करने के लिए कहा गया है। यानी मिस हैदर किडनैप कर ली गई? जी हाँ। एंड व्हाट अबाउट द रैंसम कमिश्नर? इसका जवाब मैं कल का अखबार देखने के बाद ही दूंगा। अगर आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं तो कल यह खबर छाप दीजिए कि उनका जवाब देने से पहले मैं अपनी बेटी शगुफा से बात करना चाहूंगा। क्या आप मिस हैदर से इसलिए बात करना चाहते हैं के बंटी श्रीवास्तव की कहानी दोहराना दी जाए? नो कमेंट्स। तुम रैंसम दोगे कमिश्नर, क्योंकि आज तुम्हारी अपनी इकलौती बेटी किडनैप हुई है। दूसरों के घरों में होने वाली ट्रेजेडी तुम्हारे अपने घर में हुई है। लो ये लो तुम्हारी एक महीने की तनख्वाह और बचा लो उन मासूमों को, इससे पहले कि वो उन्हें मार डाले। उन्हें बचा लो कमिश्नर, उन्हें बचा लो। नूरुद्दीन, नूरुद्दीन दोस्त, उन्हें बचा लो, उन्हें बचा लो, प्लीज बचा लो। होम मिनिस्टर सन एंड पुलिस कमिश्नर डॉटर अबडक्टेड। पुलिस कमिश्नर अली हैदर विशेष टू स्पीक टू हिज डॉटर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अली हैदर, उम्मीद है रात नींद ठीक से आई होगी। शगुफा से बात कर पाओ? जरूर। बाबा जानी। शगुफा बेटे, तुम ठीक तो हो ना? आपकी बेटी हूं ना बाबा जानी। बेटे मुझे गलत मत समझना। क्या मैं आपको कभी गलत समझ सकती हूँ बाबा जानी? हाँ, आई लव यू बाबा जानी। बेटे ये मामूली क्रिमिनल्स नहीं है,
ये वहशी दरिंद है, मुल्क के दुश्मन है। जानती हूँ बाबा जानी। इन लोगों ने तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई? अभी तक तो नहीं। शगुफी मेरे बेटे, तुम्हारे ख्याल में अब तुम्हारे बाबा जानी को क्या करना चाहिए? आप हम जो भी करेंगे ठीक ही करेंगे बाबा जानी। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आप आज की ना सोचिए, कल की आवाज सुनिए। कल की आवाज? हाँ बाबा जानी, आने वाले सारे कलों की आवाज। ना मैं अकेली बेटी हूं और ना आप अकेले बाप। कुर्बान कर दीजिए मुझे बाबा जानी, कुर्बान कर दीजिए मुझे। जीती रहो बेटी, जीती रहो। जीती तो तब रहेगी कमिश्नर जब तुम रैंसम दोगे। बोलो इरादा क्या है? तुमने अखबार के जरिए मुझसे पूछा था, मैं अखबार के जरिए तुम्हें जवाब दूंगा। कल की आवाज सुनना चाहती है? कल की आवाज यह है कि तुम्हारे बाबा जानी रैंसम लेकर आएंगे और मेरे सामने घुटने टेकेंगे, मेरे सामने, समझी? तब तो तुमने मेरे बाबा जानी को जाना ही नहीं, हम हिंदुस्तानियों को समझा ही नहीं। हम मर सकते हैं लेकिन किसी के आगे घुटने नहीं टेक सकते, समझे? सर एक बात कहूं, अगर मैं आपकी जगह होता तो खालिद को छोड़ देता। मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने सर। बाहर प्रेस वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं, चलिए। अच्छा प्लीज प्लीज पीछे रहिए। मैंने अभी अभी अपनी बेटी से फोन पे बात की है। यानी रैंसम देने के लिए रास्ता साफ हो गया? नहीं, आप लोगों के नाम मेरी बेटी ने एक पैगाम भेजा है। उसने कहा है बाबा जानी आज की फिक्र मत कीजिए, आने वाले कल की सोचिए, और आने वाले कल का तकाजा यह है कि मैं खालिद अंसारी को नहीं छोड़ूंगा। अगर आज मैंने उस दरिंदे को छोड़ दिया तो कल हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में खालिद अंसारी पैदा होंगे और ये अली हैदर जाफरी हरगिज हरगिज नहीं होने देगा। अब जाइए यहां से, यू मे गो नाउ। बट व्हाट अबाउट द होम मिनिस्टर? इस सवाल का जवाब तो होम मिनिस्टर साहब ही दे सकते हैं। अगर उन्होंने रैंसम देना चाहा तो एक पुलिस कमिश्नर की हैसियत से मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। इस केस में रैंसम नहीं दिया जाएगा। मैं उन बास्टर से कह देना चाहता हूं कि अगर बच्चों का एक भी नाखून टूटा तो मैं उन्हें जिंदा काट दूंगा। क्या यह एक पाप का स्टेटमेंट है? नहीं, यह एक पुलिस कमिश्नर का वादा है। क्या समझते हैं आप अपने आप को? क्या हैं आप, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, क्या हैं आप? मैं अली हैदर हूं सर, इस शहर का पुलिस कमिश्नर, आजाद हिंदुस्तान का एक शहरी। इसके अलावा भी कुछ है आप? एक पत्थर दिल बाप जो अपनी इकलौती बेटी की जान बचाने के लिए एक महीने की तनख्वाह तक नहीं दे सका। ये बात नहीं है जनाब, शगुफा के अगवा होने के बाद मुझे श्रीवास्तव के दर्द का एहसास हुआ। तब मैंने जाना कि लोग चुपचाप रैंसम क्यों दे देते हैं। मैं भी टूट गया था जनाब जब मैंने शगुफा से फोन पर बात की, तब मेरा सर फखर से ऊंचा हो गया। शगुफा ने कहा बाबा जानी आज की नहीं, आने वाले कल की फिक्र कीजिए। नूरुद्दीन साहब, मैं अपनी बेटी की लाश के लिए कफन दे सकता हूं मगर उसकी जान बचाने के लिए रैंसम हरगिज़ हरगिज़ नहीं दूंगा। शगुफा अकेली नहीं है, नसीर भी उसके साथ है।
मेरी बात आपको कड़वी जरूर लगेगी जनाब, मगर बात जज्बात की नहीं और सुलों की है। जरा सोचिए, इस सौदे में जब मैं अपनी बेटी की जान कुर्बान कर सकता हूं तो दाम चुकाकर आपके बेटे की जान बचाना मुनासिब होगा मेरे लिए? और इससे पहले के रैंसम नहीं दी गई? दी गई हैं। किडनैपिंग्स कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी हैं। नूरुद्दीन साहब, आज इत्तेफाक से स्टेट के कमिश्नर की बेटी और होम मिनिस्टर का बेटा उनके कब्जे में है। यही मौका है टिक जाने का और उन्हें सबक सिखाने का। जनाब अली हैदर साहब, उसूल हमारे भी हैं, बात हम भी उसूलों की कर रहे हैं। हमारे बेटे के किडनैप हो जाने से पहले भी हमारी यही राय थी कि एक जिंदगी कागज के कई नोटों से ज्यादा कीमती है। एक मासूम शहरी की जिंदगी बचाने के लिए हम हजार क्रिमिनल्स को रिहा कर सकते हैं। आई बेग योर पार्डन सर, जब मेरी बेटी किडनैप नहीं हुई थी तब भी मेरी यही राय थी कि किडनैपर्स के सामने घुटने नहीं टेके जाएं। और आज जब शगुफा उनके कब्जे में है तब भी मैं यही कहता हूं कि रैंसम नहीं देनी चाहिए। नूरुद्दीन साहब, खुदा के लिए, अपने वतन के लिए कह दीजिए कि खालिद अंसारी रिहा नहीं किया जाएगा। वतन परस्ती आपसे कम नहीं है हमें, हमें मालूम है हम क्या कर रहे हैं। खालिद अंसारी रिहा होगा जब तक इस शहर का पुलिस कमिश्नर मैं हूं। खालिद अंसारी रिहा नहीं होगा। अली हैदर, आप भूल रहे हैं क्या? आप होम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं? आप भी ये मत भूलिए कि आप इस शहर के पुलिस कमिश्नर से बात कर रहे हैं। किडनैपिंग आपका कोई सियासी मसला नहीं है जिस पर आप कोई पॉलिसी स्टेटमेंट देती, ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और इसे हल करना मेरा फर्ज है। इस केस के बारे में मैंने तय किया है, ना तो रैंसम दी जाएगी और ना ही खालिद अंसारी को रिहा किया जाएगा। आप इसे ऑर्डर बाय रिक्वेस्ट समझिए सर, रैंसम देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप हमें हुक्म दे रहे हैं? नो सर, दिस इज एन ऑर्डर बाय रिक्वेस्ट। Thank you.
मुसीबत पड़ने पर हिम्मत नहीं हारते फरमीदा, हौसला रखो। क्या हौसला रखो, हौसला रखो, ये अली हैदर मेरे बच्चे की जान लेकर रहेगा। ऐ पाक परवरदिगार, इस अली हैदर को गारत कर दे। फरमीदा, काबू रखो अपनी जबान पर। काबू रखो, ये देखो ये दाल बड़ी के जोड़े, देखो इन्हें, ये उसकी बेटी के लिए बनवाए थे मैंने, ले जाओ वापस कर दो इन्हें, और ले आओ इनके बदले में मेरे नसीर के लिए कफन। फहमीदा, बदशगुनी की बातें मत करो। हैदर चाहे जो भी करें, मगर हम तुमसे वादा करते हैं, हम दोनों बच्चों को वापस लेकर आएंगे। हौसला, खुदा सब ठीक करेगा। आप बहुत ही बहादुर हैं हैदर साहब। कोई और पूछता तो मैं यही कहती कि परवेज किडनैप नहीं किया गया था। आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, परवेज किडनैप किया गया था, लेकिन मैंने उसे रैंसम देकर छुड़वाया। आप भी वही कीजिए, रैंसम दे दीजिए। लेडी जहांगीर, मैं एक मां के जज्बात समझता हूं, लेकिन मैं वो नहीं कर सकूंगा जो आपने किया है। पर मेहरबानी आप इतना बता दीजिए, उनकी पहली डिमांड क्या थी? यही कि उन्होंने परवेज को किडनैप किया है और मैं पुलिस को फोन ना करूं। फिर क्या हुआ? नेचुरली मैं तो बहुत ही अपसेट थी, और तभी हमजा शेख आ पहुंचे। हमजा शेख? हमजा शेख को किसने बताया? पता नहीं। अरे अली हैदर साहब, आप यहां? कहिए। हमजा शेख, जिस किडनैपर को हमने पकड़ रखा है, उसका नाम आपको किसने बताया? उसका नाम शुक्ला ने। और ये कैसे पता चला कि लेडी जहांगीर का बेटा किडनैप हो गया है जो आप वहां जा पहुंचे? इसलिए अली हैदर के हमजा शेख, पुलिस की वर्दी पहनकर अपने आप को बेचते हुए आपको शर्म नहीं आई? किस वर्दी की बात कर रहे हो अली हैदर? उस वर्दी की जो हर महीने की पहली तारीख को घर में इतना पैसा भी नहीं लाती कि आधे महीने का खर्च निकल सके। ये सब तुम्हें वर्दी पहनने से पहले सोचना चाहिए था। अपना महीने भर का खर्च चलाने के लिए तुम अपने वतन को भी खर्च कर दोगे? बता बच्चे कहाँ हैं? बोल, बोल साले। हमजा शेख, हमजा शेख, अरे मरने से पहले एक नेक काम तो कर ले, शायद अल्लाह तुझे माफ कर दे, कुरान तुझे माफ कर दे। बता दे बच्चे कहाँ हैं? हमजा शेख, बता दे किडनैपर्स कौन है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज तो इस पेट्रोल पंप की किस्मत खुल गई जो आप तशरीफ लेकर आए। ए गनी, दो कप चाय लेके आ गरमा गरम मेरे केबिन में। आइए जनाब, तशरीफ लाइए, आइए आइए। भाई खान, पुलिस कमिश्नर पेट्रोल पंप पर पहुंच गए हैं। क्या जनाब? गुलाम नबी साहब। जी हुजूर। लेडी जहांगीर के बारे में कुछ जानते हैं? लेडी जहांगीर, नाम तो कुछ सुना हुआ सा लगता है हुजूर, कहीं वो तो नहीं जिनका कि लड़का किडनैप कर लिया गया था? जी हाँ, बिल्कुल वही। मुलाकात हुई थी उनसे? जी, वो
वो यहाँ क्यों आने लगी भला? वो कहती है वो आपको जानती है, आपने उन्हें रोशनपुर का रास्ता बताया था। गुलाम नबी। जी जनाब। किडनैपर्स ने ये क्यों कहा कि रोशनपुर का रास्ता वो तुमसे पूछें? क्यों कहा उन्होंने? कमिश्नर साहब, इस बेचारे पर क्यों खफा हो रहे हैं? ये हमारे सवाल का जवाब नहीं देगा। क्या गुलाम नबी, ये क्या हरकत है? अगर तुम्हारी यही हरकत रही तो तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकते, जाओ यहाँ से। जी बेहतर। मैं इसकी तरफ से माफी चाहता हूँ हुजूर, ये मर्दूत बड़ी सिफारिश लेकर आया था यहाँ पे। ये कब से यहाँ काम करता है? यही कुछ हफ्ता भर हुआ होगा। इससे पहले कौन नौकरी करता था? लियाकत हुसैन। वो क्या नौकरी छोड़ गया? जी नहीं, मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। वे जनाब ब्लैक में पेट्रोल भेजा करते थे। उसका एड्रेस है आपके पास? जबानी तो याद नहीं हुजूर। मेरा गरीब खाना ऊपर ही है, एक प्याली चाय पीकर मेरी इज्जत अफजाई कीजिए, लगे हाथों पता भी ढूंढ दूंगा। मैं जानता हूं कितने परेशान हैं, फिर भी अगर। चलिए आइए, तशरीफ लाइए। नहीं नहीं शगुफा। आप तशरीफ रखिए, मैं अभी चाय का बंदोबस्त करके आया। चाय की जहमत मत फरमाइए, वो पता दे दीजिए मुझे। चाय तो पीनी पड़ेगी जनाब, आप इधर बैठिए, मैं तुरंत हाजिर हुआ। हम बैठिए। अरे जिगरी, ओ जिगरी, चाय का इंतजाम करो। गुलाम नबी, आंखो मत, मेरी बात गौर से सुनो। मैं कमिश्नर को बातों में फंसाता हूं, उस लड़के लड़की को फौरन भलाई के लिए शिफ्ट कर दो। माफी चाहता हूँ जनाब, चाय बस आती होगी। मेरी मानी कमिश्नर साहब, 4,500 देकर इस भला को टाली है। बाकी सब लोग भी यही कह रहे हैं। जी हाँ, मेरा फोन है, मैं अभी आता हूँ। हेलो, एड्रेस तो मिल गया जनाब, मगर पता चला कि वो आदमी दिल्ली चला गया है। चलिए जाने दीजिए, दिल्ली भी बहुत दूर नहीं। खुदा हाफिज।
मिस्टर सिंह, अच्छा तुम यही मिल गए, मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था। उनके हाइडआउट का पता चल गया है, जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे? वो क्या है कि हम रेड नहीं कर सकते सर। रेड नहीं कर सकते? मैं कह रहा हूं उनके हाइडआउट का पता चल चुका है और तुम कहते हो रेड नहीं कर सकते। होम मिनिस्टर के ऑर्डर है सर। होम मिनिस्टर? इसमें होम मिनिस्टर का क्या वास्ता? यहां नूरुद्दीन साहब का हुक्म नहीं चलता, यहां मेरा हुक्म चलता है। गेट रेडी। सॉरी सर। सिंह, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? होम मिनिस्टर ने आपको सस्पेंड कर दिया सर। जी हां, आपको इसलिए सस्पेंड किया गया क्योंकि आपको सस्पेंड करना जरूरी था। आपके जुनून के लिए दो मासूम बच्चों की जिंदगियां कुर्बान नहीं की जा सकती। यह हमारा फैसला है जो अटल है। मुझे सस्पेंड करके आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है मंत्री जी, लेकिन जिन चालों पर चलकर आप ये जंग जीतना चाहते हैं, तो आपकी जीत नहीं हार है। और याद रखिए, एक दिन आएगा जब उस सारा हिंदुस्तान किडनैप कर लेंगे, तब हमारे पास रैनसम देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। खुदा हाफिज। نصر من الله وفتح قريب. لیجیے، اللہ آپ کی حفاظت کرے. خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ. سنگھ، میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا. आज अगर मुझे तुम्हारी लाश पर से भी गुजरना पड़ा, मैं गुजर जाऊंगा। मैं आपको रोकने नहीं आया हूं सर। यह तो मेरी अपनी बदकिस्मती है कि वर्दी पहनने के बाद मैं आपके साथ चल नहीं सकता, लेकिन आपके लिए के लिए एक छोटा सा तोहफा लाया हूं, इसे कबूल कीजिएगा सर। बेस्ट ऑफ लक सर। सिंह, हेलो होम मिनिस्टर, खालिद के बारे में क्या सोचा? कहां लेकर आए? गौर से सुनो, ठीक 8 बजे खालिद के साथ पूरे 20 लाख लेकर घर से निकलना, महात्मा गांधी मार्ग के चौथे मोड़ पर बाएं मुड़ जाना और चलते रहना। वहां पर मेरा आदमी तुम्हें कांटेक्ट करेगा और तुम्हें मेरे पास लेकर आएगा। आदाब। Thank you.
अली हैदर, हिसाब तो आखिर हिसाब होता है, और क्यों ना आज मैं उसे बराबर कर दूं। साहब, मुल्क बचे ना बचे, आपका घर तो बच गया। लीजिए, संभालिए अपने बेटे को और अपनी बहू को। आज एक बात कह देने को जी चाहता है मिनिस्टर साहब, अगर आप सियासतदानों को सियासत से थोड़ा वक्त मिले तो इतना जरूर सोचिएगा, अगर मुल्क जिंदा रहा तो हम जिंदा रहेंगे, अगर मुल्क ना बचा तो ना आप बचेंगे ना मैं बचूंगा, क्योंकि कब्रिस्तानों में सिर्फ लाशें रहा करती हैं। खुदा हाफिज। बेटे, हमारे रोकने से रुकेगा नहीं, आवाज दो उसे। पापा जानी, बाबा जानी, आइए। शगुफी। बाबा जानी, आइए बाबा जानी। Oh, my God.
जीती रहो। मुझे छोड़कर क्यों जाना था? नसीर यहाँ बैठे मेरे पास आओ। अल्लाह तुम दोनों को लंबी उम्र दे, क्योंकि तुम दोनों हमारे मुल्क की कल की आवाज हो।